बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साजमा में आप सबको वेलकम, और रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि जो है ना, बहुत दिन भी हो गए थे, रेसिपी ठीक से बन भी नहीं पा रही थी मुझसे, और रोज़े भी चल रहे हैं, मसरूफियत भी बहुत है इस वजह से। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पिनव्हील्स, पोटैटो पिनव्हील्स की रेसिपी हम बनाएंगे। और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले लिया है मैंने 1 कप मैदा, इस तरह से 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है। 2 टीस्पून मैंने सूजी ले ली है, सूजी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल मामूली सी जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही ली है। 1 टीस्पून नमक लिया है, पानी रिक्वायर्ड के मुताबिक लेंगे, और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल। पानी नीम गर्म या ऐसे सादा लेंगे। पहले हम अपने बॉल में मैदा ऐड कर देंगे। ऑयल जो है 2 टेबल स्पून है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें। हार्ड गुननी है इसके डो हार्ड गुननी है, लेकिन जो है ना इतनी ज़्यादा भी हार्ड नहीं गुननी है, लेकिन और ना ऑयल ऐसा डालना है इसमें, ऑयल या घी जो डालना है आपने वो इस तरह से डालना है कि आप ये देखें कि इसमें मुट्ठी बन रही है, और आप सब जगह पहुँच गया है। नहीं अभी देखें, अभी नहीं बननी है ना, अच्छे से मिक्स करना है। ये 2 टेबल स्पून भर के पूरा ऑयल इसमें आ गया है। देखें इसमें ऑयल हर जगह मिक्स हो गया अच्छे से, और मैं इसमें दबा रही हूँ तो इसमें ये मुट्ठी ऐसे बन रही है। इसमें इनके हो गया, हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम ज़्यादा नहीं बना रहे, हम थोड़े से ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कोई ख़ास ऑयली चीज़ें खाता नहीं है, और वैसे बहुत हो जाती है चीज़ें बाहर से भी आ जाती, फिर वैसे भी अफ्तारी में पानी ही पिया जाता ज़्यादा, पानी की वो होती। ऐसी डो गुननी है कि जब हम उसको रोटी बेलें तो बग़ैर आटे के बेलें। देखें इतना अच्छा गुन गया ये, और ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस सॉफ्ट है, ऐसा नॉर्मल। जब मैं इसको बेलूँगी तो मुझे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम रख देंगे 20 मिनट्स के लिए, मिलते हैं 20 मिनट्स। ये हमारा आटा गुन गया है इस तरह से, इसकी डो बन गई है पिनव्हील्स की। अब हम इसको रख देंगे 20 मिनट्स और आधे घंटे के लिए, इसके बाद हम इसके एयर टाइट। हाँ एयर टाइट में करेंगे, क्योंकि इसमें कोई समीर उमीर का तो ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे इसको डो बना के रखना है, ताकि फिर सूजी वगैरह जो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए, बस इसी वजह से। अब हम आ जाते हैं पिनव्हील्स की स्टफिंग की तरफ। उसके लिए मैंने लिए 2 आलू, उसको इस तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है, बिल्कुल देखें बारीक से अच्छे से मैश कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, मोटे मोटे, वरना ख़राब हो सकता है, फट सकता है इसका डो ना हमारा। और चुटकी भर मैंने अजवाइन ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक आटे में भी शामिल है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, छोटी भी मिर्चें। 1 टीस्पून चाट मसाला ये ऐड कर देंगे, ये हमारा हॉट मैट चाट मसाला है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेमन जूस ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, हैंड वॉश कर लिए मैंने। और आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप सब हमें अपनी दुआ में याद रखें, और हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत मसरूफ जा रहे हैं रमज़ान। ये देखिए अच्छे से इसका हमारा बन गया ये मिक्सचर। इसमें आप धनिया हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो मिर्ची ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो मैं बिल्कुल हल्के से बना रही हूँ। ऑयल 3 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के, 1/4 कप पानी डाल के इसको हम घोल तैयार कर लेंगे। कुछ हम इसको स्टफिंग में भी लेंगे, जब हम इसको स्टफ करेंगे तो चिपकाने के लिए भी यूज़ करेंगे, कुछ हम इसको फ्राई करते हुए भी। इनकी तरफ हमारा आटा ये डो को बने हुए 1/2 घंटा हो गया है,
इसको बेल लेंगे। बहुत ऐसा लग रहा, इसको बेल लेना है अच्छे से, आटा नहीं लगाना है। बड़ी सी रोटी बनानी है, सही आ रही। बड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है, अब हम इसमें सारा अपना आलू का मिक्सचर लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से इसमें पूरा प्रेस कर लिया हमने अपने बेलन को अच्छे से। पहले ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम उसमें बेलन रखते हैं, फिर इसको प्रेस कर देंगे। बेलन को हम अच्छे से पहले ग्रीस करेंगे और इसको हम प्रेस कर देंगे इस तरह से कि सब जगह इक्वल हो जाएंगे। कट करेंगे, फोल्ड करेंगे। हाँ, हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइट टाइट करके फोल्ड करेंगे। अम्मी कमरे में एक दफ़ा देखना है, इसे हाथ से फोल्ड करेंगे उसको। यहाँ कॉर्नर में ला के, यहाँ कॉर्नर में ला के हम यहाँ पे इसको जो हमने मैदे का घोल बनाया था अपना वो लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए प्रेस होकर। और इसको हम इस तरह जैसे रोटी बेलते हैं गोल गोल करते हैं पेड़ा बनाते से पहले ऐसे कर लेंगे। देखें कितना कम आटा था एक कप, और इतना सा मैंने आलू लिया था और कितना सारा बन गया। और हम इसको कटिंग करेंगे, इसके कॉर्नर्स भी हम इस तरह कर देंगे साइडों से। हम इसकी कटिंग करेंगे, देखें इस तरह से हम पहले से बना के रख देंगे। इस तरह से उठाया इसको, इस तरह से इसको सेट किया, इसको यूँ प्रेस किया, इस तरह से गोल गोल प्रेस किया। आप प्रेस करना चाहें तो प्रेस कर दें, वरना ऐसे गोल गोल ही बना के आप डीप फ्राई कर दें। इस तरह से सारे हम इसी तरह कर लेंगे। ये देखा साढ़े चार हो रहे हैं और हमने ये सारे ना भी बना के रख दिए हैं। अब हम इफ्तार से आधा घंटा पहले इसको फ्राई करेंगे और उसकी मैदे की कोटिंग करके फिर मिलते हैं इफ्तार। इफ्तार के कम मैदे में कितने कम आलू में अच्छे से ये बन गए। अभी हमने इसको बना दिया है, हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। Oh,
ये है हमारे पिरामिड्स का फाइनल लुक और रोजे का टाइम हो गया है। कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।